अस्सलामुअलैकुम, हम जा रहे हैं पेशावर पोहाट से पेशावर। टनल का रास्ता हमने नहीं लिया, हम गाखे रोड यानी इसको कोतल रोड कहते हैं, पश्तो में से गाखे रोड कहते हैं और कुछ मकामी ज़बानों में से ढगी के नाम से भी पुकारते हैं। ये वो ख़तरनाक रोड है जो कि पहले रसद के लिए आप यहाँ से जाते कराची से पंजाब से केपी के, तो ये वो रोड है जो केपी को मिलाता था पंजाब से सिंध से और बलूचिस्तान से। तो ये सारा जितना भी ट्रैफिक था इसी रोड से जाता था। अभी भी आप देख सकते हैं कि एक टैंकर जो कि जा रहा है ऑयल लेके, तो ये उस ज़माने में भी ऐसे ही होता था। 2001 में जब टनल ओपन हुआ और 1999 में जापान 51 से वो टनल बनाया गया, तब से अवामी लोग मतलब आम मकामी लोग इस रोड से नहीं जाते। टनल से चूंकि पाबंदी है टैंकरों की, इसीलिए आप इस रोड पे उन टैंकरों को देख सकते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं आपको इसको बताता चलूं कि ये बहुत ही खूबसूरत और अंग्रेज़ों की बनाई हुई रोड है उस ज़माने से, और साथ में जो है वो यहाँ पे सेफ्टी का निज़ाम भी मौजूद है अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। मेरे साथ मेरे कज़न और मेरे एक और दोस्त दीरीना जफ़र भी मौजूद हैं, कज़न मेरे नजमल खान, और हम जा रहे हैं पेशावर। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती है, पहाड़ों के बीच से रोड जा रहा है। सुबह अभी तुलू नहीं हुआ सूरज, आप देख सकते हैं अगर इस टैंकर वाले ने थोड़ी सी भी बेहतियाती की तो सीधा नीचे जाएगा, कितना ख़तरनाक रोड है। आप भी आएँ, विज़िट करें, के पी के एक्सप्लोर करें। ये सुबह सुबह का टाइम है तो, और हमारे पास हाई रूफ है तो हम इतने अच्छे तरीके से आपको नज़ारा नहीं दिखा पा रहे। अगर आप आएँ केपीके विज़िट करें बजाय इसके कि बाहर मुल्कों में घूमें, अपने पाकिस्तान को देख लें। सिक्योरिटी अब बेहतर हो गई है पाकिस्तान की, और आप देखेंगे ऊपर मैं आपको दिखाता चलूँगा कि यहाँ पर भी एक चेक पोस्ट बनाई गई है। ये देखें भाई, ये ओवरलोड गाड़ी है और बहुत ज़्यादा रिस्क लिया हुआ है इसने अपने आप पर भी। रोड भी ख़राब है, ये देखें, ये रोड की हालत देखें। और इन ना ट्रैफिक का कोई रूल है कि इनको रोकें, इनको चालान करें, इनको टैक्स करें। ये क्या तरीका है कि इतनी ओवरलोडेड गाड़ियां इस रोड पे चलें। यहाँ देखें, मतलब आप खुद देख सकते हैं कि गाड़ी का जो वेट है वो किस तरफ जा रहा है, मतलब थोड़ा सा भी अगर मिस बैलेंस हुआ तो नीचे गाड़ी जाएगी सीधी। इस हवाले से ये देखें एक टैंकर दूसरे टैंकर पर इस सिंगल रोड पे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। देख तो लें सुबह सुबह। यहाँ से बहुत खतरनाक कट है, पहले शीशा लगा हुआ था सामने, अब वो हटा दिया गया, अब वो हटा दिया गया, बहुत नीचे रह गया। हाँ, पहाड़ हमसे बहुत नीचे रह गया हम, और हाँ ना, पहाड़ की चोटी पर है हम बिल्कुल तकरीबन। आप देख सकते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आपको नीचे नजर आ रहा है शहर कितना दूर रह गया पहाड़ को। आगे वाले से भी निकल जाओ, ये रहा बस, आगे कोई नहीं, आगे रोड खाली इंशाल्लाह। पीछे कोहाट और ये सड़क, क्या खूबसूरती, वाह जबरदस्त। ये देखें मोटरसाइकिल पे आता वो बंदा, पता नहीं कहाँ से आ रहा है बेचारा, क्योंकि टनल पे इनको आना जाना मना है।
ये चेक पोस्ट थी, इस रोड का मिट था, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ लिखा होता था यहाँ पे जाने वालों के लिए और आने वालों के लिए खुश आमदी थी। आगे फिर पहाड़ की चोटी थी ये। अच्छा, यहाँ कुछ कुत्तों ने ना रोड ब्लॉक की हुई है, लगता है एहतजाज कर रहे हैं। दर्रा शुरू हो गया भाई, ये नीचे कौन सा शहर आबाद है? ठीक है, देखो ये इधर